अदालत बड़की वकील बन बैठी है स्ट्राइकर में। ए सत्य भाई, कहाँ इतनी रात को, इतनी ठंड हो रही है, कड़ाके की, ये बंद कर लो जिप का, कहाँ जा रहे हो? जहन्नुम में जा रहे साले, तुमसे मतलब? एक चीज बता देता बाबा तुमको, अपनी बीबी को बता दे कि हद में रहे, अपनी औकात में रहना सीखे, समझो? साला पूरे घर वालों के सामने ना हमारी बीबी की बुराई करना बंद कर दे। अरे का भवा का बोले चले जा रहे हो, का हुआ ये तो बताओ। देख बाबा, एक को चीज बताए रहे, अगर तुम्हारी बीबी नहीं सुधरी ना साला, तो हम बिगड़ जाएंगे और हम बिगड़ जाएंगे, सब बिगाड़ के रख देंगे। ए सक्ति भाई, आराम से बताओ, समझो? बीबी हमारी प्रतिज्ञा का मतलब कुछ बोले चले जा रहे हो, बात करनी ना इज्जत से बात करो, समझो? तुम इतना सुनते नहीं हम, पहले हमको बताओ तो सही साला, भवा का ऐसे बोले बोल का भवा? हमको तुमसे तुम्हारी बीबी के बारे में कुछ नहीं कहना, ना ही कुछ बोलना है, ताकि हम जानते हैं ना तू को कब वो गलत तो मानेगा नहीं है, इसलिए जो कुछ पूछना हुआ अंदर बाबूजी बैठे हुआ उनसे जाके पूछ, वो अच्छे से बता देंगे विस्तार से। अरे सुनो, मैं ससुर बाबूजी का सब पता है, तुमका सब पता है, घर में सब, हमका कुछ नहीं पता है, अभी हमका कैसे पता चलेगा, बताओ ना का भवा? बात ये है कि तुम्हारी बीबी को ना तरीका सिखा ये घर में जीने का तरीका, और ये भी कह दे कि हमारी बीबी और हमारे बच्चा समरा से ना दूर रहे, जबरदस्ती करेगी ना पापा सब उलझाए देंगे, बताए रहे। अरे अरे ए, जाओ यार जाओ, चला बताते भी नहीं हो सर, खुद खुद ही पता कर लेंगे घर जाके, यार पता नहीं कब। अरुषि सुबह राम को जल्दी उठा देना, तुम्हें तुम्हारे ऑफिस छोड़ते हुए हम अपने ऑफिस चले जाएंगे। अरे तुम क्यों परेशान हो रहे हो, तुम अपना टाइम से जाना, हम मैनेज कर लेंगे। अरे इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है, तुम्हारा ऑफिस हमारे ऑफिस के बगल में ही तो है, तो तुम्हें छोड़ते हुए हम अपने निकल जाएंगे ऑफिस। सही कह रहे हो बेटा, तुम दोनों खाने की बिल्कुल फिक्र मत करो, सुबह जल्दी उठ जाना, हम तुम दोनों की लंच के लिए टिफिन तैयार कर देंगे। ओफो दादी, आप क्यों चिंता कर रही हैं, हमें वैसे भी सुबह जल्दी उठना है, हम बना लेंगे ना लंच, आप टेंशन मत लो। अरे यार आरुषि, आराम से रहो यार, लंच बनाने की जरूरत ही नहीं कल। अरे अगर लंच नहीं बनाएंगे तो फिर दोपहर के खाने का क्या करेंगे? मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ। अरे यादव जी, इतनी रात गए? कहा बताए तन्मय बाबू, सुबह हमको हिसाब करने का टाइम ही नहीं मिलता है, पूरे महीने का दूध का कुल मिलाई के 1400 रुपया बना है, अगर इसी हिसाब सही देते तो बड़ी मेहरबानी होती हमारे ऊपर। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। कोमल बेटा, कोमल, अरे बेटा जरा यादव जी को दूध के पैसे दे दो। अरे ससुर जी, तुम नंदोई जी को बोलो ना। अरे दामाद जी, चलिए पैसे निकालिए। भाभी हम आप का है? बाहर खाए के लिए तुम्हारे पास पैसा है, बाकी घर खर्च देने के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है। नंदोई जी, तुमका नहीं चिरकुटाई करने की कोनो जरूरत नहीं है, दूध का पैसा ना तुम ही भरोगे और हम घर खर्च के हिस्से में ना तुम्हारा ही पैसा जोड़ देंगे। अरे कोमल बेटा, कैसी बातें कर रही हो तुम? ये ससुर जी, तुम ना एकदम चुप रहो, तुम ना हमका बोले दो। दामाद जी, तुम पैसा भरो, चलो। बाकी का बैलेंस 400 रुपए हम आपको बाद में देंगे। ठीक है, लेकिन तनिक जल्दी करिएगा। हाँ हाँ चलो, कुछ तो निकला इनकी जेब से।